हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल IMC हर्बल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो IMC में फ्रेंचाइजी ओपन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों IMC फ्रेंचाइजी ओपन करने के बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते हैं और इसी वजह से वो लोग जो है IMC की इस दुकान को जो है ओपन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है आपको इसके बेनिफिट्स बताने वाले हैं कि अगर आप जो है एक लीडर हैं IMC में, तो आपको अगर आप इस आउटलेट को ओपन कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है और आपको इसको क्यों ओपन कराना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात आती है कि IMC की आउटलेट आप ओपन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। IMC कंपनी को आपको एक छोटा सा मेल बना के आपको सबमिट करना होता है, जिसमें आपको अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना फोटो, अपना बैंक पासबुक और आपके जो स्पॉन्सर जो होता है जिसने आपको ज्वाइन कराया है उसकी डिटेल मांगी जाती है, और उसके बाद उस मेल को तैयार करके आपको कंपनी को भेजना होता है। और उसके बाद आप जो है IMC के जो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनके पास जाकर आप जो है अपने आउटलेट का ID ले पाते हैं। तो ये जो है हमने एक वीडियो में बताया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि किस प्रकार से हम जो है आउटलेट ओपन जो है करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि आपको जो है ये आउटलेट क्यों ओपन कराना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप जो है IMC में अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एक बड़ी टीम होगी और उस टीम के प्रत्येक जो एसोसिएट होंगे वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान से IMC के प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में अगर जो है आप जो है दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास से IMC के प्रोडक्ट लाते हैं तो बहुत बार जो प्रॉब्लम्स आती है कि वो आपके बिल्स कंप्लीट नहीं करता है या फिर जो है बिलिंग किसी और की ID पे ही कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हैं अपनी खुद की एक फ्रेंचाइजी जो कि 55,000 के एक छोटे से अमाउंट पे जो है ओपन हो जाती है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको वो सारी जो प्रॉब्लम से जो है छुटकारा मिल जाता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आउटलेट का जो बेनिफिट होता है जो कि आपको 12% रिटेल प्रॉफिट के रूप में मिलता है, वो आप जो है यहाँ पे खुद ही जो है यहाँ पे ले पाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिटेल प्रॉफिट आपको किस प्रकार से मिलेगा और आपको जो है अपने टीम में जो है इसे किस प्रकार से जो है बताना चाहिए। दोस्तों, IMC में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला वाला होता है दोस्तों, वो होता है SD जो कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, जिसे C&F के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, SD जो होती है वो 1 करोड़ से लेकर आपको जो है यहाँ पे 2.50 यानी कि 2.5 करोड़ के जो खर्चे पे जो है वो खोली जाती है। और दूसरी होती है दोस्तों DD या फिर जिसे आप जो बोल सकते हैं TD, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों, ये जो DD होती है ये 10 लाख से 15 लाख के जो यहाँ पे खर्च पे जो चलती है। और तीसरा होता है दोस्तों आउटलेट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजी। तो ये जो है फ्रेंचाइजी दोस्तों मात्र आपको जो है 55,000 के जो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट के साथ जो है आप इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं, या फिर IMC की जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर शॉप है उसको आप जो है ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 55,000 का जो छोटा अमाउंट है, ये पहले अगर आप जो है IMC में अगर आए होते तो आपको पता होगा कि ये 1,10,000 में ओपन होती थी, जो कि अब जो है आधा कर दी गई है और बहुत ही आसानी से अब हर एक टीम में जो है आप अपनी एक आउटलेट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, IMC में अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 55,000 का आपको जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लगता है, और इस 55,000 में दोस्तों आपको जो IMC में टोटल जो IMC की तरफ से जो बिजनेस वॉल्यूम दिया जाता है वो दिया जाता है लगभग 22,000 बिजनेस वॉल्यूम है। तो दोस्तों, ये जो 22,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस वॉल्यूम का आपको 12% जो रिटेल प्रॉफिट किस प्रकार से मिलता है। तो दोस्तों, ये 22,000 जो बिजनेस वॉल्यूम है, लगभग 2.5 गुना करें हम तो 55,000 होता है। तो इसको जैसे हम देख सकते हैं, जैसे 2.50 रुपए कि अगर हम परचेसिंग करते हैं IMC में तो हमें यहाँ पे 1 बिजनेस वॉल्यूम IMC की तरफ से मिलता है, और अगर हम 250 रुपए की परचेसिंग करते हैं तो हमें मिलता है लगभग यहाँ पे 100 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर हम जो है यहाँ पे 2500 रुपए की परचेसिंग करते हैं IMC में तो हमें यहाँ पे मिलता है 1000 बिजनेस वॉल्यूम, और अगर हम जो है 25,000 रुपए की अगर परचेसिंग करते हैं तो हमें मिलता है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। इसका मतलब दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे 25,000 पे जैसे यहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम दिखा रहा है, तो 25 × 50 और 5,000 एक्स्ट्रा, तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अगर आप 55,000 की अगर आउटलेट IMC में ओपन कराते हैं
तो आपको जो यहाँ पे जो टोटल जो यहाँ पे पीओ मिलता है, परचेस ऑर्डर बोला जाता है इसे, टोटल यहाँ पे आपको मिलेगा 22,000 बिजनेस वॉल्यूम का आईएमसी की तरफ से पीओ आपको मिलता है। और दोस्तों आप जो भी बिजनेस वॉल्यूम आप बेचते हैं या आप खुद बेचें अपनी टीम में या फिर किसी नए एसोसिएट को बेचें, तो उसका आपको टोटल जो है यहाँ पे 12% जो आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट आपको जो है मिलता है, 12% रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा। और ये 12% रिटेल प्रॉफिट किस प्रकार से मिलेगा, चलिए हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आपने जो है 55,000 की आउटलेट ओपन की और 22,000 बिजनेस वॉल्यूम परचेस किया, 22,000 आपने ये बिजनेस वॉल्यूम परचेस किया, तो इसका 12% रिटेल प्रॉफिट जो मिलेगा आपको इस प्रकार से देखिए, लगभग 2640 रुपए। तो दोस्तों ये 2640 रुपए जो आपको मिला है, ये 2640 रुपए के प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि फ्रेंड्स आप जो भी यहाँ पे जो 55,000 की जो आउटलेट ओपन कर रहे हैं, इसमें 2640 रुपए के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको तुरंत जो है उसी आउटलेट ओपनिंग के दौरान आपको दिए जाते हैं। तो ये जो बेनिफिट है दोस्तों आपको तुरंत मिलता है। नहीं तो ऐसा सोचते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे जो एसोसिएट हैं या फिर जो भी नए भाई हैं, तो वे सोचते हैं कि हमें जो 2640 रुपए का जो प्रोडक्ट है हमें नेक्स्ट बार में दिया जाएगा, तो वो गलत है फ्रेंड्स। वो जो होता है आपको जो बेनिफिट होता है तुरंत उसी में इंक्लूड करके आपको जो है आउटलेट ओपन करने के दौरान ही आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों अगर हम श्री तुलसी की बात करें, अगर आप अपनी आउटलेट में अगर श्री तुलसी खरीदते हैं, क्योंकि जो श्री तुलसी होती है उसका MRP 195 है और DP रेट डिस्काउंट प्राइस है 140 और बिजनेस वॉल्यूम है फ्रेंड्स 55। तो आपने जो ये बिजनेस वॉल्यूम लिया, यानी कि आपने एक श्री तुलसी परचेस किया, तो आपको जो बिजनेस वॉल्यूम मिला 55, तो ये 55 जो बिजनेस वॉल्यूम है इसका 12% आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे एक तुलसी पे 6.6 रुपए आपको जो है बचा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आपने अगर 10 तुलसी अगर लिया, तो आपको जो यहाँ पे आउटलेट रेट पर कितना रुपए बच गया, लगभग यहाँ पे 66.66। मतलब कि आपको जो बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स, ये जो रुपए जो होता है इसका बेनिफिट आपको उसी में आउटलेट में ही प्रोडक्ट के रूप में जुड़ के मिलता है। तो इस प्रकार से IMC में आउटलेट ओपन करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। और इसमें आप याद रखें कि अगर आप जब यहाँ पे 55,000 की फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे तो आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है, लगभग 2640 रुपए का होता है, ठीक है ना। मतलब कि आप जो है 110,000 का अगर आप जो है IMC में प्रोडक्ट अपनी आउटलेट पर परचेस करेंगे, तो आपको लगभग जो है यहाँ पे 2652 यानी कि 5280 रुपए का आपको जो है आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है उसी दौरान मतलब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई बात हमारी आउटलेट ओपन करने की। IMC आउटलेट ओपन करने के प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको अगर आपकी दुकान पे कोई नया एसोसिएट आता है या नया बंदा आता है जिसका IMC में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप उसे जो है MRP रेट पर जो है प्रोडक्ट दे सकते हैं। और उसका जो बिजनेस वॉल्यूम चूंकि उसे तो पता नहीं होता है, तो आप उसके जो बिलिंग है अपने खुद की आईडी पे कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपके लेवल के हिसाब से आपको अलग से मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है डायरेक्ट जो है रिटेल जो होता है MRP पे उसका भी आप बेनिफिट ले पाएंगे, तो वो रिटेल बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और इसके माध्यम से आपको जो अपनी टीम जो होती है, टीम को भी जो यहाँ पे मजबूत करने में एक मदद मिलेगी। तो अगर आप जो IMC में, जैसे हमें पता होता है कि 8 सुपरस्टार टीमों को करने पे हमें जो चेयरमैन का लेवल मिलता है, तो आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा जो है हर एक टीम में एक एक जो है फ्रेंचाइजी ओपन करा दें, ताकि जो सारे टीम मेंबर्स हैं उनको जो है किसी दूसरी दुकान पर जाकर जो है परचेसिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों ये था हमारा जो आउटलेट का बेनिफिट। तो फ्रेंड्स अगर आप जो अपनी फ्रेंचाइजी को ओपन कर लेते हैं 55,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ, तो अगर आपको यहाँ पे जैसे कि ज्ञात है 22,000 हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तो दोस्तों हमें फ्रेंचाइजी को अगर आप चलाना चाहते हैं पर्टिकुलर हर महीने, तो आपको यहाँ पे आपको परमानेंट 22 कस्टमर आपको 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेसिंग करने वाले होने चाहिए। दोस्तों आप जो है केवल मात्र 22 अपने परमानेंट कस्टमर बनाइए, तो आपका ये जो बिजनेस वॉल्यूम है हर महीने बहुत ही आसानी से सेल हो जाएगा। क्योंकि 22 कस्टमर अगर 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेसिंग करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपका जो यहाँ पे सारा बिजनेस वॉल्यूम सेल हो जाता है और आपका जो यहाँ पे
फ्रेंचाइजी का बेनिफिट है वो आपको मिलने लगता है। अब बात आती है दोस्तों कि पहले ही महीने हम जो है 15,000 से 20,000 रुपए हम जो है फ्रेंचाइजी के माध्यम से किस प्रकार से कमाएं, तो उसके लिए आपको दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब आप फ्रेंचाइजी ओपन कराएंगे तो आपको अपनी टीम में थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि आपकी टीम से हर महीने अगर जो है आपकी टीम से या फिर आपकी इस फ्रेंचाइजी में अगर हर महीने लगभग यहाँ पे 1.5 लाख अगर बिजनेस वॉल्यूम आपकी टीम से अगर चला जाता है, ठीक है ना, अगर जो है 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपके अगर टीम से या फ्रेंचाइजी से सेल होता है, तो आपको जो है 1.5 लाख का 12% आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जो कि होता है लगभग 18,000 रुपये। यानी कि दोस्तों आप जो है बहुत ही आसानी से एक छोटे से टारगेट को पूरा करके, क्योंकि दोस्तों ये टारगेट आपको अकेले नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपके इस फ्रेंचाइजी से अपना जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो दोस्तों आप जो है अपने 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जो होता है उसको हर महीने सेल करें और बहुत ही आसानी से आप जो है 18,000 का जो बेनिफिट आप जो है यहाँ पे ले पाएंगे। तो ये मैंने आपको बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर बताया दोस्तों, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिटेल प्रॉफिट जो कि MRP पे होता है, जो कि नए कस्टमर्स जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी दुकान पर आएंगे, तो उनको आप जो है जैसे श्री तुलसी 195 की है वो हमें जो है डिस्काउंट पे 140 की मिलती है, लेकिन अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप उनको 195 में बेचेंगे, जिससे आपको जो है 55 रुपये का बेनिफिट प्रत्येक श्री तुलसी के हिसाब से मिल जाएगा। तो यहाँ पे IMC में तो 350 प्रोडक्ट की यहाँ पे हाई रेंज है, तो आपको यहाँ पे लगभग जो है हर एक प्रकार के आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ आपकी जो फ्रेंचाइजी है ये ऑनलाइन दिखाती है, जिस वजह से कोई भी कस्टमर वर्ल्ड वाइड यानी कि इंडिया से जो भी है वो आपकी दुकान पर IMC बिजनेस एप्लीकेशन की लोकेशन के माध्यम से आपकी दुकान तक पहुंच जाएगा। मतलब आपको जो है यहाँ पे कस्टमर अगर आप नहीं बना भी पाते हैं तो आपकी दुकान तक कस्टमर बहुत ही आसानी से आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा IMC फ्रेंचाइजी का बेनिफिट प्लान। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप जो है इन बेनिफिट्स को अच्छे से समझ लें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा जो कि IMC बिजनेस से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।